काम करवाने में नहीं काम रुकवाने में विश्वास करती है भाजपा। ये शब्द सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने रविवार को विधायक निधि से तैयार हुई पुलिया के शुभारंभ के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि सुजानपुर के वार्ड नंबर 6 में जो पुलिया निर्माण करवाया गया है उससे लोगों को विशेष रूप से छोटे छोटे बच्चों को आवाजाही सुविधा मिलेगी। लोगों की ये पुरानी मांग थी जिसे पूरा करवाया गया है। इसके साथ साथ लोगों की मांग है कि यहां पर पानी का टैंक बनाया जाए, वह भी जल्द बनाया जाएगा। इससे पहले विधायक का स्थानीय लोगों के साथ साथ नगर परिषद अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षदों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वैदिक मंत्रोच्चारण के तहत पूजा पाठ कर विधिवत पुलिया का शुभारंभ किया गया और इसे जनता के सुपुर्द किया गया। विधायक ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सुजानपुर में बनने वाले टाउन हॉल, मेडिकल स्टाफ के रहने के लिए अतिरिक्त भवन, तमाम कार्यों के लिए पूर्व सरकार ने पैसे को स्वीकृत करवाया था। उस समय के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने तमाम कार्यों का फाउंडेशन स्टोन भी विधिवत रखा था, लेकिन 3.5 वर्ष बीत जाने के बावजूद सत्तासीन भाजपा सरकार ने कार्य को शुरू नहीं करवाया। और ये सच है कि जब बरसातें आती थी तो लोगों को बड़ी समस्या होती थी और खास तौर पर छोटे छोटे बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी। मैं जब भी इस गांव में आता था तो पुली की बात होती थी, तो आज पुली का निर्माण भी आपका हो गया है। और साथ में कैप्टन साहब आप भूल गए, परंतु मैं भूलता नहीं। मैं पिछली बार 2 दिन पर जब भी है तो आपने पानी के टैंक की डिमांड रखी, वो पानी का टैंक भी आपका बना के दे दिया है। तैयार हो गया जी, बिल्कुल कहते तैयार हो गया है। तो निगरा जी चर्चा कर रहे थे कि सुजानपुर में पिछले 3.5 साल में जब सरकार बदल गई तो कौन सी एक नई ईंट जो है इस सरकार ने लगाई है। शर्म की बात है कि हमने 75 लाख रुपया 2017 में राजा वीरभद्र जी के आशीर्वाद से लेके आए, टाउन हॉल का निर्माण करना था और 3.5 साल में टाउन हॉल का निर्माण नहीं शुरू हो पाया, उसको रोक